हेलो, एक काम करो, वहाँ मेरी कार खड़ी है, साफ कर दो। मैम आपने कुछ बोला? बहरे हो क्या, सुनाई नहीं देता है। मैंने कहा मेरी गाड़ी साफ करो। हाँ मैम, बस ये गाड़ी कर दूँ फिर आपकी गाड़ी कर दूंगा मैं। ओ हेलो, ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी की चाबी लो और चुपचाप जाके साफ करो। मैम मैंने बोला आपसे कि ये गाड़ी ऑलमोस्ट हो ही गई है, 5 मिनट में आपकी गाड़ी साफ कर दूंगा। अरे तुम तो बहुत ही बदतमीज हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, पहले मेरी कार साफ होगी। मैडम मैंने सुन लिया, बस आप 5 मिनट रुक जाइए। 5 मिनट? अबे तेरे लिए 5 मिनट वेट करूंगी क्या मैं? तुझे पता भी है मेरा टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन छोड़, तुझ जैसे लोगों को ना ये बात समझ में नहीं आने वाली। रुक, पकड़, अब तो कर देगा ना मेरी गाड़ी साफ। मैम मैं गाड़ी साफ करने के 100 रुपए लेता हूँ और ये 200 रुपए हैं। अरे तो कोई बात नहीं, 200 रुपए ले ले, 100 रुपए टिप समझ के रख लियो, कभी बाद में खर्च कर लियो। थैंक यू सो मच मैम, पर मुझे लगता है कि आप ये पैसे मुझे इज्जत से भी दे सकती थी। मैडम मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता। अच्छा तो अब कोई भी ऐरा गैरा आके मुझे रिस्पेक्ट का लेसन देगा। अब एक बात बता, तुझे इतनी इंग्लिश कैसे आती है, कार ही साफ करता है ना तू? मैम मैं पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ। अरे वाह, ग्रेजुएशन करने के बाद भी ये सब काम कर रहा है, वैसे ठीक भी है, तुम लोगों को ना यही सूट करता है, तुमसे उम्मीद भी यही होती है। मतलब ये कि अगर तू सही से पढ़ लिख लेता ना तो तुझे ये सब गरीबों वाले काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैम मुझे अपना काम पसंद है, आपको जो समझना समझिए। अबे तू कब से बकवास करके मेरी इंसल्ट करे जा रहा है, तुझे पता भी है मैं हूँ कौन? आप जो भी हो मैम मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको कार साफ करवानी है तो आपको समझना पड़ेगा कि लोगों से इज्जत से बात करें आप। अच्छा तो अब तू मुझे सिखाएगा कि किससे कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं। रुक, तुझे तो अभी बताती हूँ। बदतमीज, क्या हो रहा है सब? पापा इसने ना हमारी कार गंदी कर दी। अरे नीरज बेटा तुम? पापा आप जानते हैं इसको? हाँ बहुत अच्छे से जानता हूँ। पापा आप इसे कैसे जानते हो, इस बदतमीज गवार को? आपको पता भी है इसने मेरी अभी कितनी इंसल्ट की है। पापा आपने मुझे गवार के लिए थप्पड़ मार दिया। बस बहुत हुआ, मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए हैं, जानती भी हो कौन है ये? इस नौजवान ने अपनी जान पर खेलकर छोटे छोटे बच्चों की जान बचाई है। मतलब ये एक बार रेलवे का सिग्नल हो गया था और बच्चों की वैन रेलवे ट्रैक पर फंस गई थी, कोई भी मदद को नहीं आया, लेकिन इस नौजवान ने अपनी जान पर खेलकर उन बच्चों की जान बचाई। लगता है उसी दौरान इसको चोट लगी होगी। जी सर, उस वक्त बच्चों को बचाते हुए मेरे पैर के ऊपर से टायर गिर गया था और तब से मेरी हालत ऐसी ही है। नीरज मैंने उस समय तुम्हें मिलने की कोशिश की थी लेकिन मिल नहीं पाए, तुम इस हालत में कैसे? सर उस एक्सीडेंट के बाद मैं अपाहिज हो गया और किसी भी कंपनी ने मुझे जॉब नहीं दिया, और उसके बाद सर मुझे ये सब करना पड़ा ताकि मैं अपना घर चला सकूं। सर अब तो बहुत साल गुजर गए हैं और मुझे ऐसे जीने की आदत सी हो गई है, और आपकी बेटी जैसे लोग हम लोगों को धरती का बहुत समझते हैं। बेटा मेरी बेटी ने तुमसे बदतमीजी से बात की, उसके लिए नीरज मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन पापा मैंने जो करने के लिए बोला वो इसका काम था और इसने करने से मना कर दिया था। बस तुम्हारा क्या काम है, सारा दिन घर में एसी में बैठना और फोन सुनना, यही काम है ना? ये लो गाड़ी साफ करो। लेकिन पापा मैंने कहा ये गाड़ी साफ करो। लेकिन पापा ये गाड़ी तो हमारी है भी नहीं। मैं जानता हूँ हमारी गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी तुम साफ करोगी। पकड़ो ये पानी और ये कपड़ा, करो साफ। ये तो सच में बहुत ही मेहनत का काम है, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई। अब समझ आया तुम्हें हर काम में कितनी मेहनत लगती है? अगर मैं तुम्हें सीधे सीधे कहता तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता,
अब तुमसे गाड़ी साफ करवाइए ना, तुम्हें सब पता चल गया हर काम में कितनी मेहनत होती है। हाँ पापा। अब मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ आगे से ये गलती नहीं करोगी, समझ गए बेटा? आप सही कह रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा सुना दिया। मुझे नहीं पता था कि आप पढ़े लिखे हैं और आप मजबूरी में ये सब काम कर रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैम कोई बात नहीं, पर आगे से कभी आपको कोई ऐसा मिले ना तो उसका मजाक मत उड़ाना, और हाँ हो सके तो उसकी हेल्प कर देना, क्योंकि आपको नहीं पता वो किस हालत में जी रहा हो। नीरज बेटा तुम्हें नौकरी चाहिए ना? जी सर, मैं तो वैसे भी काम की तलाश में हूँ। कल से तुम मेरी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। पर सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता हूँ, पहले मैं आपकी कंपनी में इंटरव्यू दूंगा और आपको लगा कि मैं उस लायक हूँ तभी आप मुझे अपनी कंपनी में रखना। बिल्कुल बेटा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, ठीक है? कल इंटरव्यू के लिए आ जाना। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलो